हेलो वियर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेट लॉस करने का तरीका जिन्हें अजमाने से वजन होगा 100% कम, और 5 वेट लॉस टिप्स जिन्हें फॉलो करने के बाद आप मोटापे के शिकार नहीं रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मेंटेन वेट आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आजकल लोगों का बढ़ता वजन उनकी लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहा है। लोग अपना वजन कम करने के लिए डाइटिंग, एक्सरसाइज, रनिंग, सप्लीमेंट और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन इससे बहुत कम लोगों को फ़ायदा होता है। कुछ लोग तो इसके लिए खाना पीना तक छोड़ देते हैं, परंतु शायद वो लोग ये नहीं जानते कि खाना पीना छोड़ने से वजन कम नहीं होता, बल्कि अच्छे खाने और हेल्दी लाइफस्टाइल से ही वजन कम होता है। देखा जाता है कि मोटापा कम करने के चक्कर में लोगों को अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं। ये सब बताकर मैं आपकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती, बल्कि आप भी अगर वेट कम करना चाहते हैं तो उसके बारे में बस कुछ बेसिक बातें बताना चाहती हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आप दिन रात अपना वजन कम करने के लिए मेहनत तो कर रहे हों, लेकिन कुछ गलतियों के कारण आपकी मेहनत पर पानी फिर रहा हो। आप यदि अपना वेट कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ अपने लाइफस्टाइल और कुछ खाने पीने की आदतों को सुधारना होगा, जिससे आप कुछ ही समय में अपना वेट आसानी से नेचुरली तरीके से कम कर सकते हैं। 10 तरीके हैं जिनसे कम कर सकते हैं आप अपना वजन। नंबर 1, साबुत अनाज खाएं। आपको कोशिश करनी होगी कि आप रिफाइंड फूड की अपेक्षा होल ग्रेन अनाज जैसे रोटी, गेहूं की ब्रेड, कुकीज़ और दलिये से बना खाना ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। होल ग्रेन शरीर को मेटाबोलाइज्ड करने में अधिक हेल्प करते हैं और जल्दी पचते हैं। यह लंबे समय तक शरीर को एनर्जी देते हैं, जिससे सारा दिन आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। यह भूख और चीनी की तलब को कम करता है। नंबर 2, मानसिक तैयारी। आपको अपने बढ़े हुए वजन के लिए लोगों से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स या आसपास के लोगों की भी हेल्प ले सकते हैं। आप उनसे कहें कि वे जब भी आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, केक जैसी चीज़ें खाते हुए देखें तो आपको तुरंत ऐसा न करने के लिए कहें। इससे आप मोटिवेट हो सकते हैं और आपको वेट कम करने में हेल्प मिलेगी। नंबर 3, अपने खाने को जाने। आपको अपने लिए खाना सेलेक्ट करते समय और भी ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी बॉडी के बेसिक फंक्शन के लिए अनसैचुरेटेड फैट और एसेंशियल फैट एसिडस की आवश्यकता है। कम फैट या कम शुगर लेवल वाले फूड प्रोडक्ट में आवश्यकता से ज़्यादा कैलोरी होती है। इसके बदले में आप बिना चीनी वाले प्रोडक्ट्स लें, जिससे आपकी कैलोरी भी कम रहेगी और आपका वजन भी कम होगा। नंबर 4, पानी है वजन घटाने का मुख्य टूल। हर बार जब आप भूखे हों या आप खाना खाने जा रहे हों या लंच या डिनर से पहले, पानी पीने की कोशिश करें। यह एक निश्चित सीमा तक आपकी भूख को तुरंत कम करने का एक सरल तरीका है। अधिक पानी भी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और आपका पेट भरा हुआ लगता है। नंबर 5, कम खाना खाने के लिए खुद को मैनिपुलेट करें। खाने की क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। इससे आपको कम खाने की आदत हो जाएगी और धीरे धीरे खाना कम करने से आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपके डाइनिंग टेबल पर आपकी कैलोरी की मात्रा बहुत सीमित रहे, इसलिए एक साथ एक बड़ी सर्विंग लेने की अपेक्षा कई छोटी छोटी सर्विंग लेने से आपका दिमाग ये मान लेता है कि आपने काफ़ी कुछ खा लिया है, तो आप फिर ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। नंबर 6, फाइबर का उपयोग करें। अपने खाने में अधिक फाइबर शामिल करने की कोशिश करें और उसमें इनसोल्यूबल फाइबर होना चाहिए। इससे आपको पेट भरा भरा लगता है और आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती। पत्तेदार सलाद में अघुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो नेचुरल रूप से आपके फूड इनटेक को कम करता है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि कच्ची सलाद खाने का मतलब है कि आपको अधिक चबाने की ज़रूरत होगी, और इस एक्स्ट्रा चबाने के साथ साथ लार निकलने से कुछ घंटों के लिए भूख कंट्रोल हो जाती है।
नंबर 7, खुद को नमक से दूर रखें। नमक आपके शरीर में पानी को होल्ड करता है, इसलिए इसका कम सेवन करना चाहिए। इसके अलावा नमक ब्लड प्रेशर को हाई रखता है, जिससे आपको पसीना आएगा। पसीना आएगा तो भूख और प्यास लगेगी और कुछ न कुछ खाने का आपका मन करेगा, जिसके लिए आप चाय या कोल्ड ड्रिंक पियेंगे जिनमें शुगर होगी, जो आपके लिए सही नहीं है। नंबर 8, शुगर को बर्न करें। यदि आप मीठा या शुगर से बनी हुई चीज़ों को खाने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, तो सुबह नाश्ते में आप उन्हें ले सकते हैं। इससे आपका शरीर पूरा दिन आपके द्वारा पिए गए मिल्कशेक से मिली कैलोरी का उपयोग करेगा। फिर भी कोशिश करें कि शुगर और उससे बनी हुई चीज़ों को कम ही खाएं। नंबर 9, एक्सरसाइज करें। आपको वजन कम करने के लिए शुरुआत में हैवी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है और न ही एक्सरसाइज प्लान की। उदाहरण के लिए सीढ़ियों से ऊपर और नीचे चढ़ना एक सबसे आसान, सबसे सरल हार्ट की एक्सरसाइज है, जो आपके हिप्स, पैर और जांघों को टोन करता है। मार्केट में घूमना, अपने मोबाइल पर बात करते समय चलना और घरेलू काम करना भी बेस्ट एक्सरसाइज है। नंबर 10, वजन घटाने की सावधानियां आपको नज़रअंदाज नहीं करनी। वजन कम करते समय अपने शरीर के फेम को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। वजन कम करने से अक्सर प्रोटीन की कमी हो जाती है, इससे आपके मसल्स भी कम हो जाते हैं, इसलिए आपको अपनी बॉडी के लिए उपयुक्त प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप पनीर, एग वाइट भी ले सकते हैं। इससे आपका वजन कम होगा और मसल्स लॉस होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि नेचुरली वजन कम करने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं। अब बात करते हैं वेट लॉस टिप्स की। आपको हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले 500 ग्राम से 1 लीटर गुनगुना पानी पीना है, वो भी खाली पेट। आपको मार्केट की चीज़ें छोड़नी होगी, फास्ट फूड बिल्कुल न खाएं, हरी सब्जी और हेल्दी चीज़ें खाने की आदत डालें। हो सके तो 40-50% कच्चा भोजन खाना शुरू करें, जैसी हरे पत्तेदार सब्जियां। सुबह जल्दी उठें और प्राणायाम करें, शुद्ध वातावरण में घूमें, ताज़ी हवा लें, और इससे आपके वजन में फ़र्क पड़ेगा और आप बहुत जल्दी फिट और हेल्दी हो जाएंगे। ज़्यादा देर तक न जागें। आजकल हर व्यक्ति देर रात तक फ़ोन या टीवी में बिजी रहता है, इसलिए हो सके तो आप 9 से 10 बजे के बीच ही सो जाएं। जिम या होम वर्कआउट जरूर करें। आपसे जितना हो सके उतनी एक्सरसाइज करें और हर दिन घूमने का नियम बनाएं। आपको 1-2 किलोमीटर रोज पैदल चलने की आदत डालनी होगी। तो देर किस बात की, हो जाएं शुरू और देखिए इन बातों को फॉलो करके आप कुछ ही समय में अपना वेट कम कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी इस वीडियो से अपना वजन कम करने में कोई भी मदद मिली हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। व्यूअर्स, अगर आप फनी स्टोरीज की हेल्प से अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर का डेली लाइव वोकैब शो होता है 12 बजे। अन अकेडमी पर भी सर की क्लासेस अवेलेबल हैं।